नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। लगातार कल से लोकसभा सदन शुरू होने जा रहा है, उससे पहले पूरे देश, दुनिया जहां में भारत की लोकसभा को लेकर बड़ी सरगर्मी है। सियासी उठापटक मची हुई है, पल पल पर राजनीतिक विषाद अलग अलग तरीके से लोग बिछाते नजर आ रहे। राहुल गांधी के ऐलान से बीजेपी परेशान है। आखिर राहुल गांधी के संपर्क में वो एनडीए के सांसद कौन कौन है जिन्हें लेकर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कल बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के इस ऐलान के बाद कि वो 29 जून को एक बड़ा ऐलान करेंगे, बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। क्या होगा नीतीश कुमार का ऐलान? नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर अल्टा पलटी करते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में आकर सबसे पहले ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर खुद के साथ आरजेडी के रिश्ते तोड़े थे। ये चंद दिन पहले की खबर है। अब नीतीश बाबू ने एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को दिल्ली में बुलाई है। समीक्षा करेंगे, वो हर बार समीक्षा करते हैं, कैसे रिश्ते किसके साथ रहेंगे इसकी समीक्षा करते हैं, किसके साथ जाएंगे ये तय करते हैं, और ये हर बार वो तय करके एक नया वृक्ष रोप देते हैं जिसकी छाया में वो निश्चिंत होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को सलामत रखते हैं। हम अगर बात करें इस सब मामले को लेकर तो नीतीश नाराज क्यों? नीतीश जिस तरीके से आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है और उसको लेकर तेजस्वी जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, उसको लेकर नीतीश हलकान है, नीतीश परेशान है। लगातार जो मीडिया में खबर आ रही है उसके मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में 10% पिछड़ा और दलित भाजपा से छिटक गया। बड़ी तादाद का वोट बैंक है। अगर 10% वोट बीजेपी से छिटका है तो आने वाले समय में हर राज्य में हर जगह बीजेपी का सफाया होना तय है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर बिहार हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सब जगह भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दलित और पिछड़ा की आबादी कुल मिला के 75% से अधिक हो जाती है। अगर 75% वोट में से 10% वोट टूटकर बीजेपी के खाते से अन्य दलों के पास चला जाता है, यानी इंडिया गठबंधन के पास चला जाता है, तो बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है। इसी वोट बैंक के जरिए तो आई थी। मैं कल एक पत्रकार की पोस्ट देख रहा था, वो लिख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मैं जब एक कैबिनेट मंत्री के घर बैठा था तो वहां 3 पिछड़े और दलित समुदाय के कैबिनेट मंत्री और आ गए। उन मंत्रियों ने जिक्र में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी दलित और पिछड़ों से दूर हटकर काम कर रही है, जिसका संदेश निचले स्तर पर चला गया है। अगर इसमें बदलाव नहीं आया तो आने वाले समय में परिणाम चौंकाने वाले होंगे। ये बात एक लोग नहीं, कई लोग तस्दीक करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पिछड़े और दलितों को महज 5 किलो राशन में खरीद कर अपना झंडा बुलंद करने की असफल कोशिश का प्रयास कर रहे थे। असफल कोशिश का, बार बार वो मंच से कहते थे मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं, और जो राशन खाते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे तो उन्हें पाप लग जाएगा। लोगों ने पाप स्वीकार कर लिया, बीजेपी के विरोध में वोट दे दिया। वो तो देश की जनमानस को 400 के फेर में फंसा हुआ था, इसलिए ये सब मसला फंस गया, वरना सब परिणाम अलग होते। पुनीत तिवारी, हो सकता है अभी तुम्हें और कुछ जरूरत होगी, धीरे धीरे तुम खुद समझ में आ जाओगे। जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ बदसलूकी की गई है, अभी वो धीरे धीरे तुम्हारी सब समझ में आएगी कि प्रशासन क्या कर रहा है, अफसरशाही क्या कर रही है। इसे समझने में अभी तुम्हें वक्त लगेगा। तुम अभी उस फिजा में तैर रहे हो जिस फिजा में हिंदू मुसलमान की फिजा होती है। अभी तुम उस फिजा में नहीं आए हो जिसमें 4300 करोड़पति भारत को छोड़ चुके हैं।
4300 करोड़पति भारत को छोड़ चुके हैं। सुबह की खबर मेरे चैनल पर पढ़ लीजिए। अभी आप उस फिजा में नहीं आए हो जिसमें अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है जब 4300 करोड़पति भारत को छोड़कर अन्य देशों में शरण ले चुके हैं। अभी यह समझने में आपको वक्त लगेगा क्योंकि आप दूसरी हकीकत की दुनिया में नहीं, विश्वास की और अंधे की दुनिया में जी रहे हो। जब विश्वसनीयता पर आओगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा। चलिए फिलहाल मुद्दे पर आ जाते हैं। ये सब बातें नीतीश को नागवार गुजरी हैं और इसी को लेकर नीतीश पिछड़े और दलित वोटों के अलावा कैसे चुनाव जीतेंगे इस पर वो बीजेपी से चर्चा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी वो क्या उलटफेर करेंगे इसकी संभावना तो 29 जून को तय होगी, लेकिन उनकी ये खबर जब मार्केट में आई है, जब सोशल मीडिया में आई है, मीडिया में आई है, कई अखबारों ने इसकी बड़ी खबर बड़ी हेडिंग लगाई है, 29 जून को करेंगे नीतीश कुमार बड़ा ऐलान। वहीं नायडू पल पल पर उन बातों पर आज भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं जिन खबरों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जो हकीकत जब आप सुनेंगे कि नायडू वास्तव में ये सोच रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश की YSRCP कांग्रेस यानी जगन रेड्डी की पार्टी 10 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग करती है। हर उल्टे सीधे जो भी कानून पास हुए, जो भी बिल पास हुए, सब में YSR कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी नजर आई। विपक्ष ने कई बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा। हर बिल पर, हर कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह खड़े रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों जगह उनके साथ की बेहद आवश्यकता ही। वो किसान बिल रहे हो, विद्यार्थियों के खिलाफ कानून रहा हो, बैंक के खिलाफ कानून रहा हो, वो चाहे CANRC का मुद्दा रहा हो, कोई भी बिल रहा हो, महिला आरक्षण बिल रहा हो या फिर सदन में मणिपुर को लेकर बातचीत रही हो, सब में वो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़े रहे। आज नरेंद्र मोदी सरकार TDP के साथ चली गई है और आज जब उनका ऑफिस तोड़ा गया, उनका ऑफिस बेदखल किया गया, ये मिलता है हस्त्र बीजेपी का साथ देने वाले सहयोगी दलों को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद देख लीजिए। आज उनका ऑफिस धराशायी कर दिया गया है। अगली खबर आपको उड़ीसा से समझा रहा हूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन बाबू पटनायक कितनी बार विपक्ष उनके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, भीख मांगी कि आप मेरे साथ आ जाइए। नवीन बाबू ने हर बार उन्हें धोखा दिया और नीतीश कुमार समेत सभी नेताओं को उन्होंने नकार दिया और जब देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आए। आज नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनसे कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बाद में उनसे तोड़कर रिश्ते अलग चुनाव में गए और उनको नेस्तनाबूद कर दिया। ये दो उदाहरण आपके सामने अभी हैं। उसके अलावा शिंदे, उसके अलावा अजीत पवार, उसके अलावा बिहार में, उसके अलावा बंगाल में, जो भी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, ओम प्रकाश राजभर का क्या हुआ, बेटा भी लोकसभा चुनाव हार गया बुरी तरीके से हार गया। क्या हुआ संजय निषाद के साथ, क्या हुआ कैबिनेट मंत्री होकर संत कबीर नगर में उनके साथ बदसलूकी हुई, क्या हुआ उनका। अनुप्रिया पटेल दो सीटें हर बार जीतने वाली, एक सीट पर सिमट गई, क्या हुआ। लगातार हम चर्चा करते हैं, लगातार हम आपको समक्ष वो तथ्य माय प्रूफेबल रखते हैं। इससे घबरा कर नायडू के चेहरे पर शिकन आई हुई है। नायडू कहते हैं कि जिस दल ने बीजेपी का साथ दिया वो दल खुद दल दल में फंस गया। भारतीय जनता पार्टी जब दल दल में दल फंसा हुआ था तो बीजेपी साथ छोड़कर निकल लेती है, साथ नहीं देती है। और यही हंस रहे कि नायडू तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष किसका बनवाया जाए। पहले की बात बता दें, इसी सत्र के दौरान 4 सांसद नायडू के भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल कर लिए थे। इन सब बातों को देखकर साफ साफ लग रहा है कि नायडू और नीतीश कैसे भी बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। जहां रोज खबरें, आज एक चैनल न्यूज 18 पर खबर चल रही है कि नीतीश बेहद नाराज,
गठबंधन कभी भी टूट सकता है। रोज महाराष्ट्र में सरकार गिर रही है, हरियाणा में खबर रोज हो रही है सरकार गिरने की। ये सब खबरें तब आती हैं जब मीडिया में कहीं ना कहीं खबर आती है। एक खबर उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रवक्ता के तौर पर माने जाने वाले राकेश त्रिपाठी के साथ पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की। ये उन्होंने खुद बड़े पत्रकारों को बताया, फिर खुद लिखा भी, फिर एक लेटर उन्होंने डीसीपी को भी लिखा, डीजीपी को भी लिखा। हालांकि वो पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या खुद सत्ताधारी दलों के सामने जब अफसरशाही बेलगाम हो जाए तो क्या उम्मीद की जाएगी, क्या सोचा जाएगा? ये सवाल बड़ी तेजी से मीडिया में तैर रहा है। आज लोग सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो हैसियत है वो उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से गिरी है। चर्चा ये है कि कहीं इसी दौरान बीजेपी कोई बड़ा गेम न करे, उत्तर प्रदेश को तीन हिस्सों में न बांट दे। तीन हिस्सों में बांटकर वो योगी को भी कमजोर कर देगी, वो अखिलेश यादव को कमजोर कर देगी, वो मायावती को कमजोर कर देगी, वो कांग्रेस को कमजोर कर देगी। इसके साथ जो जीत अखिलेश की आई है, जो अखिलेश ने 44 सीटों पर जो परचम लहराया है, उससे बड़ी सरगर्मी तेज हुई है, उससे बड़े संकट के बादल उत्तर प्रदेश की नई राजनीति पर छाए हुए हैं। बसपा प्रमुख ने आज इसी उठापटक को देखते हुए एक बार फिर बसपा की कमान आनंद को सौंप दी है, उसी आनंद को सौंपी है जिसे उन्होंने ना समझ बताते हुए अभी चंद दिन पहले इसी लोकसभा चुनाव में पद से बेदखल किया था। 29 जून की दिल्ली में जो जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो बहुत कुछ तय कर देगी। लगातार मेरे नीतीश के पार्टी के कई लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश और अमित शाह की बैठक हुई तो उन्हें बताया गया कि मेरी सर्वे के मुताबिक 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है, और उस समय माहौल भी ऐसा था कि इंडिया गठबंधन अपनी हवा नहीं बना पा रहा था। पांच राज्यों के चुनाव में तीन राज्यों में जबरदस्त बीजेपी ने वापसी की थी, वहीं से नीतीश का मन पलटा और वो इंडिया छोड़कर एनडीए की तरफ रुख करने लगी। जो उन्हें समझाया गया कि 350 सीटें हर हाल में बीजेपी जीत रही है, ऐसे में अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ रहोगे तो आने वाले समय में आपकी सरकार हो सकता है गिर जाए, सुरक्षित ना रहे, और आने वाले 25 के लोकसभा चुनाव में आप सत्ता के दूर चले जाए। ये खबर उन्हें बेहद सच लगी। खबर सच इसलिए भी लगी, पांच राज्यों के चुनाव थे, तीन में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी और तीन की जगह बनते बनते एक राज्य में आ गई, जबकि बीजेपी तीन हिंदी बेल्ट के राज्यों में बड़ी तादाद में जन समर्थन जुटाते हुए बड़ी लंबी तैयारी के साथ वापसी की। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, इन सब प्रदेशों में जब सरकार वापसी हुई तो नीतीश का मन बदल गया और इंडिया छोड़कर वो बीजेपी की तरफ रुख कर गए। नीतीश रामविलास पासवान के सहयोगी है जो हमेशा मौसम वैज्ञानिक के रूप में इस देश में देखे गए। आज मौसम वैज्ञानिक का बेटा, सब कोई सब तैयार है, वक्त का इंतजार है, लोग इस बात पर बैठे हैं कि फूट कब होगी। सबको कष्ट मिला है, सब ठगे गए हैं, सबके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े आपके सामने पेपर अखबार न्यूज चैनल्स सब पर पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि कौन बनेगा उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, जो बिल्ली बेहद खूंखार है, बेहद सातिर है, बेहद जबरदस्त तेज है, ये उसी का इंतजार हो रहा है। फिलहाल मोदी के सामने नीतीश और नायडू झुकने वाले नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े संकट देखे हैं। फिलहाल जो खबर मिल रही है वो लोकसभा से चुनाव सत्र से पहले एनडीए में रार बढ़ती नजर आ रही है। नीतीश नाराज रिजर्वेशन को लेकर नीतीश बड़े नाराज हैं। रिजर्वेशन से उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा। नीतीश समाजवादी राजनीति के अग्रज हैं। समाजवादी राजनीति में दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, इसी समाज की तो राजनीति होती है। उस राजनीति से कैसे तिलांजलि देकर नीतीश अगर आरक्षण के मुद्दे पर खामोश रहे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? नीतीश के लिए ये उनके जीवन मरण का प्रश्न है।
नीतीश यहां कोई जरूर बड़ा निर्णय लेंगे, इसीलिए उन्होंने 29 जून को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है इसमें वो उठा पटक करेंगे। इससे पहले उन्होंने जनवरी माह में खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, ललन प्रसाद से इस्तीफा लिया था, तब भी यही चर्चा थी। जब सत्ता का फेरबदल हुआ तब भी नीतीश ऐलान करने दिल्ली ही आए थे और दिल्ली में तब भी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई थी, पूरा कारवां आया था जिसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार फिर नीतीश की बैठक पर सबकी निगाह टिकी हुई है, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी भी रोज मोदी के सामने लोकसभा सत्र से पहले सवालों का अंबार लगाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पहले नीट की परीक्षा पर सवाल करेंगे। उन्होंने नीट की विद्यार्थियों को बुलाकर उनसे पूछा, हम लोकसभा में क्या सवाल करेंगे? वो किसानों को लेकर सवाल करेंगे, वो अग्निवीर को लेकर सवाल करेंगे। आज जो सरकार अपनी स्वावलंबी योजनाएं बता बताकर जनता के मध्य जा रही थी, लगातार उनमें बदलाव कर रही है। कल वित्त मंत्री कह रही थी कि हम डीजल को जीएसटी के दायरे में जल्द लेकर आएंगे। अरे मत लाइए, 2017 से नहीं लाए तो क्या जरूरत है? देश की जनता का खून पीते रहिए, टैक्स वसूल करते रहिए, कौन रोकने वाला है? अरे आप तो राम मंदिर लाओगे, आप काशीकारी डोर लाओगे, आप कृष्ण कन्हैया को लाओगे, वोट के लिए भगवान को दाव पर लगाओगे। अरे आप तो श्री राम को लाए थे, राम ने आपको नकार दिया, अयोध्या से बेदखल कर दिया, ये है प्रभु श्री राम की कार्यशैली। अरे आप कौन होते हो लाने वाले? फिर भी आप विष्णु को अवतार बताकर खुद को जय जगन्नाथ से बड़ा मान के आपने वहां भी जगन्नाथ की तुलना अपने से कमजोर कर दी। आज धीरे धीरे लोग आपकी मानसिकता को समझते चले जा रहे हैं। आप वोट की खातिर कुछ भी हस्त्र देश का करने को तैयार हो। देश से 4300 करोड़पति जिनकी न्यूनतम जो उनके पास धन का संपत्ति का ब्यौरा है वो 8.5 करोड़ है, यानी 43,000 करोड़ रुपया देश से बाहर जा चुका है। मैं वो 10 करोड़ से एवरेज लगा रहा हूं। अगर इसमें 100-200 करोड़ रुपया वाले भी हैं तो ये 1-2 लाख करोड़ रुपया देश की अर्थव्यवस्था से चला गया। प्रधानमंत्री जी कैसे देश को संभालोगे? आज अडानी भी कह रहे हैं कि देश का विकास देश की समृद्धि कांग्रेस के शासन में हुई थी। वही अडानी जिनके खिलाफ राहुल गांधी सवाल करते हैं आपसे, आपने 31 लाख करोड़ रुपया डुबो दिया 3 दिन में, 3, 4, 5 जून के दौरान। राहुल गांधी उस पर भी लोकसभा में आपसे सवाल करेंगे, उसको लेकर उन्होंने बड़ी मीटिंग की थी, वो हो सकता है इस पर श्वेत पत्र लाएं। और भी कई बड़े सवाल इस समय मीडिया में और इस समय राहुल गांधी के जुबा पर आए हुए हैं। देश पूरा राहुल गांधी की ओर देख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। पहली परीक्षा 26 जून को है, 26 जून से पहले कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। 26 जून को यह तय होगा कि नीतीश और नायडू ने इनकार किया, हामी भरी, साथ जाने की बात की या फिर छोड़ दिया। अजीत पवार, सिंधे, अगर हम चर्चा करें, अजीत पवार और सिंधे 8 लोकसभा सांसद हैं, दोनों नाराज हैं, दोनों के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कई राज्य ऐसे सवाल करते नजर आ रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी के सांसद तोड़फोड़ में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कह देना बेहद जल्दबाजी होगी, हमें 29 जून तक नीतीश के ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर कोई विस्तृत रिपोर्ट पढ़नी है तो चले जाइए specialcoveragenews.in वेबसाइट पर, आपको वहां पूरी खबरें मिलेंगी। आप हमारा पेज फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं जहां हमारे 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप हमारा ट्विटर फॉलो कर सकते हैं जहां हमारे 10,000 के समथिंग फॉलोअर्स हैं। और बेहतर खबरों के लिए अगर किसी को चाहिए, अपनी कोई खबर आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए specialcoveragenews@gmail.com। और मेरा नंबर उस पर पड़ा है, उसे आप देख सकते हैं। लगातार अगर हम बात करेंगे, लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिर
इन खबरों का रहस्य क्या है? लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, उन्हें क्या मतलब है? कुछ लोगों को सच सुनने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके दिमाग पर ऐसा एक विलप चढ़ा हुआ है। 2014 में जो लोग स्वतंत्र हुए हैं, उन्हें सच सुनने का अब मादा बचा नहीं है। वो हमेशा फर्जीफिकेशन की जिंदगी पर जीते हैं। जो 2014 में, उससे पहले जो लोग स्वतंत्र हुए हैं, वो आज भी एक शाही जिंदगी जीते हैं और एक ईमानदार जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोगों से भी देश में बचने की बेहद जरूरत है। आज लोकसभा सत्र से पहले पूरी तरीके से एनडीए में खूब जमकर रार मची हुई है। अजीत पवार पहले से नाराज, शिंदे नाराज, नीतीश कुमार नाराज रिजर्वेशन को लेकर, नायडू अपने पुराने हस्त्र को देखकर। देखना यह होगा कि इस पर निर्णय कब आता है, सरकार कब इस पर बड़ी बातें सुनाती है। फिलहाल हम आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगला प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा 6:30 बजे। यूपी बीजेपी में भूचाल। आखिर मोदी साहब फिर हैं परेशान, और एक नहीं उसमें कई बड़े खुलासे। कैसे किसी बीजेपी ने एक संत के सुरक्षा गार्ड हटाए, कैसे एक प्रवक्ता की इंसल्ट सरेआम हुई, कैसे बरेली में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, कैसे अलीगढ़ में हत्या होती है, कैसे फिरोजाबाद में एक तहसीलदार की सरेआम किसान पिटाई कर देता है, कैसे फिरोजाबाद में बवाल होता है, कैसे प्रयागराज समेत कई जिलों में कैसे घटनाओं की बाढ़ आई है, इन सब पर चर्चा 6:30 बजे आपके सामने बिल्कुल तथ्यात्मक। फिलहाल मेरा काम है कि लोगों की आवाज उठे। अगर आवाज नहीं उठी तो ये देश प्रत्येक नागरिक से सवाल करेगा कि जब देश में ये सब घटनाएं घट रही थी, आप खामोश क्यों थे? मेरा काम है आवाज उठाना, मेरा काम है लोगों से सवाल करना, मेरा काम है सरकारों से सवाल करना। फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर करें। जिनने अभी तक हमें फॉलो नहीं दिया है, वो फॉलो अप जरूर दें। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों को शेयर करके आगे बढ़ाने में हमारा योगदान करें। नमस्कार।